दोस्तों, आपने अपने आस पड़ोस में ऐसे दिखने वाले बच्चे या वयस्क लोग देखे होंगे। तो क्या आप जानते हैं ये लोग ऐसे क्यों दिख रहे हैं? इन्हें कौन सी बीमारी हुई है? तो आइए आज इस वीडियो में ये जानते हैं ये लोग ऐसे क्यों दिख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आप जिन लोगों को देख रहे हैं उन्हें एक जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है, उसे साइंस की भाषा में सिंड्रोम कहते हैं। अब यह सिंड्रोम सिर्फ एक प्रकार के नहीं है, यह सिंड्रोम बहुत प्रकार के हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, क्राइडू चार्ट सिंड्रोम, क्लिनफेल्डर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इत्यादि इत्यादि। और हर सिंड्रोम का लक्षण अलग अलग है। डॉक्टर इन लक्षणों को देखकर इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यह सारे सिंड्रोम जन्मजात शिशु में जेनेटिक डिसऑर्डर होने के कारण होते हैं। इनमें से कुछ प्रकार के सिंड्रोम में बच्चे कुछ महीने में या कुछ सालों में मर जाते हैं। कुछ प्रकार के सिंड्रोम में बच्चे बड़े तो होते हैं, लेकिन उन्हें अलग से हार्मोन लेना पड़ता है या कोई ट्रीटमेंट चालू रखनी पड़ती है। इनमें से कुछ सिंड्रोम में कुछ लोगों के हाथ और पैर बड़े हो जाते हैं, सिर का ऊपर का भाग ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फेस बहुत ही मोटा हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, कुछ में तो फीमेल और मेल के दोनों गुण आ जाते हैं, जैसे कि लड़की की तरह दिख रहा है लेकिन उसकी दाढ़ी बढ़ जाती है, कुछ जरूरत से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग सिंड्रोम के अलग अलग लक्षण हैं और यह सारे सिंड्रोम में बिना ट्रीटमेंट चालू रखे यह बच्चे जिंदा नहीं रह सकते। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि ये सिंड्रोम होते क्यों हैं? मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि यह बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं? तो यह जानने के लिए हमें क्रोमोसोम्स को समझना होगा। क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र होते हैं। यही क्रोमोसोम्स के कारण बच्चे अपने माँ बाप के जैसे दिखते हैं। इसका मतलब है गुप्ता जी का बेटा गुप्ता जी जैसे ही दिखेगा, वह दुबे जी जैसे नहीं दिख सकता। और यह सब होता है क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों के वजह से। ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मेल और फीमेल में 44 क्रोमोसोम सेम होते हैं, सिर्फ दो क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, जैसे कि मेल में XY और फीमेल में XX। अब इन क्रोमोसोम्स के नंबर कम या ज़्यादा हो जाए तो उसे जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है और इसी को सिंड्रोम कहते हैं। अब इन सिंड्रोम के लक्षण और टाइप इस पर डिपेंड करते हैं कि 46 क्रोमोसोम में से कौन से क्रोमोसोम में डिफेक्ट है या फिर उनके नंबर में प्रॉब्लम है। तो यह क्रोमोसोम्स के नंबर कम या ज़्यादा होने के या उनमें डिफेक्ट होने के क्या कारण है? जैसे कि अगर फीमेल 35 या 40 एज के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है तो बच्चा सिंड्रोम के साथ पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर फैमिली में किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसे सिंड्रोम वाले बच्चे पैदा होने के चांसेस है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी सिंड्रोम के बारे में। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें ऐसे नॉलेज भरे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। और आपको इन सिंड्रोम के बारे में और कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।